बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम वेब इंजीनियरिंग का जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एचटीएमएल टैग्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और सारी वो जो डिटेल थी इंट्रोडक्शन के हवाले से वो आपको डिस्क्राइब कर दी थी। आज हम जो है बेसिकली अब प्रॉपर जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वेबसाइट बनाने का वो हम स्टार्ट करेंगे। HTML टैग्स को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिया था और आपको ये भी बता दिया था कि किस तरह से प्रोग्राम को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, या HTML फाइल को कैसे जो है एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें सबसे पहले हम HTML टैग्स का थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा। तो आपके सामने HTML डॉक्यूमेंट का मैंने बताया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिस तरह से HTML हम स्टार्ट करते हैं टैग को और उसको हम क्लोज करते हैं। HTML जो भी टैग है, यानी दिस इज द स्टार्टिंग टैग और दिस इज द क्लोजिंग टैग। आप ऊपर डॉक टाइप HTML भी लिख सकते हैं। बाज़ूकात हमें HTML5 के टैग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें फिर ये डॉक टाइप HTML ये भी बताता है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये बेसिकली HTML है। इसमें ये किस्म की डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, HTML का ये जैसे कि मैंने बताया कि बिगिंस विद HTML एंड विद HTML क्लोजिंग टैग। ठीक है, और बॉडी का जो टैग है उसके बिटवीन आपने जो है वो अपने तमाम जो फर्दर जो टैग्स की जरूरत पड़ती है वो हम बॉडी के टैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एक है HTML एलिमेंट्स। ये ज़रा लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको, लेकिन आज मैं आपको बेसिक जो HTML एलिमेंट्स के हवाले से जो है कि ये जो HTML एलिमेंट होते हैं दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। यानी जो HTML टैग होगा जिसका स्टार्ट और एंड होगा दैट आर कॉल्ड HTML एलिमेंट। ठीक है, तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। जैसे कि P का टैग है, पैराग्राफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये, और इसका स्टार्टिंग भी है, यानी इसको ओपनिंग टैग भी बोलते हैं और ये क्लोजिंग भी है। तो दैट इज कॉल्ड HTML एलिमेंट, यानी कि P जो है ये दैट इज कॉल्ड HTML एलिमेंट। ठीक है, यानी HTML एलिमेंट्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। अगर इनमें आप कोई कंटेंट ऐड नहीं करेंगे तो ये समझ लें ये एम्प्टी एलिमेंट्स हो गए। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एन एंड टैग। मसलन जैसे कि अब ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, जैसे कि बी आर का टैग है, लाइन ब्रेक के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी ओपनिंग है बट इसका एंड टैग नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, इसको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास HTML हेडिंग्स मैंने आपको कराई थी। अभी मैं इस हिसाब से ये तरह से रिव्यू कर रहा हूँ कि आज हम स्टेप बाय स्टेप तकरीबन तमाम जो टैग्स की जरूरत पड़ती है HTML के अंदर एक वेबसाइट बनाने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम कुछ टैग्स जो बेसिक हैं वो ही हम देख रहे हैं, जिसमें कुछ हमने देख लिए हैं, कुछ हम आगे देखते हैं। हेडिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ H1 से लेकर H6 तक चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैग जो हैं इसमें फ़र्क क्या होगा कि H1 की हेडिंग जो होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी, H2 से छोटी होगी और H3 से इस तरह H6 तक की सारी जाती है। तो हेडिंग के लिए आपने कोई हेडिंग बनानी है तो फिर आप H1, H2 या H3 एंड सो ऑन आप टैग यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ के लिए टैग P, ठीक है, ये मैंने भी आपको करके दिखाया था। P स्टार्टिंग टैग हो गया और P एलिमेंट एंडिंग टैग हो गया। This is paragraph, this is another paragraph. इस तरह से जितने पैराग्राफ आपने बनाने हैं आप इस तरह से बना सकते हैं P के टैग के साथ। अच्छा, अब यहाँ आपके सामने HTML लिस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अब बाज़ूकात हमें अपने वेब पेज पर कुछ एलिमेंट्स या कुछ लिस्ट बनानी पड़ जाती है, मसलन जैसे कि आइटम्स ऐड करने पड़ जाते हैं
नंबर ऑफ लिस्ट बनानी पड़ जाती है, जिस तरह से आप अक्सर वर्ड में बुलेट्स बना लेते हैं, और नंबरिंग वाली बुलेट्स भी होती है और आइकॉन्स वाली बुलेट्स भी होती है, ये आप देख चुके होंगे। तो उस तरह की ही लिस्ट या लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाने के लिए हम HTML लिस्ट का टैग जो है वो यूज करते हैं। इसमें दो तरह के टैग इस्तेमाल होते हैं, गौर से देखिएगा। एक है UL, जिसको आप कह सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, या अनऑर्डर्ड में बेसिकली बुलेट्स बनेंगी। ठीक है, ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से बुलेट्स बनती हैं। और एक होता है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यानी जिसमें आपको नंबरिंग आ जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, अब जैसे कि UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि UL का टैग स्टार्ट करेंगे और UL का टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके दरमियान आपने जो लिस्ट बनानी है, जो आइटम्स की लिस्ट बनानी है, वो LI का टैग यूज करेंगे। ठीक है, इधर से इसी तरह से OL का टैग ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट के दरमियान लिस्ट का टैग इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। मसलन ये UL अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, और एक है DL डेफिनेशन लिस्ट। ये बेसिकली डेफिनेशन के लिए होता है कि बाज़ुकात आपने डेफिनेशन जो है वो भी इंक्लूड करनी है, तो उसमें DL का टैग यूज करेंगे। और जो डेफिनेशन मसलन जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप उसको DL के टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक पूरा प्रोग्राम नजर आ रहा है, इसमें HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये बॉडी का टैग नजर, ये बॉडी का टैग नजर आ गया, इसके दरमियान मैंने ये बुलेट्स बना दिए, यानी UL का टैग यूज करके इसके साथ, यानी किस तरह से LI बीटरूट जिंजर पोटैटो रेडिश, ये एक लिस्ट बना दी। ठीक है, इस तरह से ये बुलेट बन जाएंगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, लाइक नंबरिंग नहीं होंगी, बुलेट्स बनेंगी। अच्छा, अब मैं ये जरा थोड़ा सा आपको साथ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं नोटपैड के अंदर, या यही बनी हुई है हमारे पास फाइल। अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं, यहाँ पर चले, यहाँ मैं BR किया हुआ है, तो ये मैं आपके सामने UL का टैग यूज किया। ठीक है, एंटर किया और साथ UL का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने बनाना जा रहा हूँ, लेस देन LI यानी लिस्ट। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कंप्यूटर, और LI क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद LI, और यहाँ पे या यहाँ पे लिख देता हूँ C++। ठीक है, जावा, और साथ ये क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह से LI और ये हो गया जी हमारे पास वेब डेवलपमेंट। ठीक है, LI क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपके सामने, चले एक और बना लें LI, और यहाँ पे ले देता हूँ VL बेसिक, ये एक लिस्ट बना ली मैंने। ठीक है, ये क्लोज हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी है ये वाली, ये आपके सामने अब आउटपुट नजर आ रही है। ये देखिए स्पीरो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये देखें आपके सामने, अब ये देखें बुलेट्स बन गई C++ जावा, और ये देखें अनऑर्डर्ड है, यानी जिस तरह से वो बुलेट्स या आइकॉन की शक्ल में जैसे कि बुलेट्स बनती हैं, वैसे आपके सामने नजर आ रही है हमारे ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास LI का, जिसमें अब हम इसमें ऑर्डर्ड वाली बुलेट्स बना लेते हैं सिंपल। इसी को ही जो है हम थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब यही है ना, इसी को जो है, अच्छा यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दी, ओ सॉरी, ये कॉपी
टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ OL, ठीक है, काम सारा वही है, ठीक है, बस हमने क्या करना है, हमने उसको OL कर देना है, UL से मैंने OL कर देना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ले बुलेट्स बन जाएंगी आपके सामने, ये मैं थोड़ा सा ये देखें, अब ये देखें, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अब रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देख लें आपके सामने, नहीं इसमें गलती हुई है, हमने ये और UL, हाँ ये UL है, और इसका जो है टैग जो दूसरा था वो हमारे पास OL, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख लें, पहले मैंने बुलेट्स बनाई थी UL वाली, ये देखें जिसको कि अनऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है ये, ठीक है, और अब ये वाली कौन सी होगी, ये देखिए आपके सामने ये, ठीक है, अब ये OL और ये UL, अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब ये इसको रन करते हैं, ये देख लें यहाँ पे बुलेट्स ऊपर आपके पास बनी है अनऑर्डर्ड और ये ऑर्डर, देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसका फर्दर ये देखिए कि अगर आपने अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एक और चीज बता दूँ, टाइप एट्रीब्यूट, ये जो एट्रीब्यूट मैंने आप सॉरी आपके सामने ये जो ये देखें एट्रीब्यूट, आप तो जो करें कि ये तो हो गया हमारे सिंपल टैग, ठीक है, अब जब हमने कुछ और तब्दीलियां या कुछ और चीजें हमने इसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज लेके आनी है, कुछ अपने टैग के हवाले से खुसियात लेके आनी है, तो जो मेन टैग होता है उसमें हम एक टाइप यानी आप उसमें एक एट्रीब्यूट का इजाफा करेंगे कि अगर आपने बुलेट्स बनानी है स्क्वायर, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मसलन ये हमारे पास ये देखें, मसलन यहां पर मैं UL है, ठीक है, इसका जो भी हमने किसी भी टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स देने हो, तो ये हमने आपका एक मेन टैग हो गया, उसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट या एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही मैं एट्रीब्यूट्स दूंगा, टाइप इज इक्वल टू मैं ले देता हूँ स्क्वायर, ठीक है ये ले। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको अब रन करके देखते हैं, ये रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए थोड़ा सा आप गौर करें कि ये जरा ना स्क्वायर हो गई है, पहले गोल थी अब स्क्वायर हो गई है, ठीक है। इसी तरह से एक और है, मसलन जैसे कि डिस्क है, सर्कल है, इस तरह से जो भी आप टाइप ऐड कर देंगे वो बुलेट वैसी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर अगर आप नंबर्ड बुलेट्स हैं, ये सारी आपको एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, टाइप लिखें मैंने टाइप इज इक्वल टू 1 किया, ये अगर आप नंबरिंग वाली तो बाय डिफॉल्ट कर देता है, ठीक है, ये डिफॉल्ट केस में होती है। अब मैं कर देता हूँ ये न्यू जो जो अपर केस में आपने मसलन जो करनी है, मसलन मैं आई कैपिटल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैं यहाँ पर ये टाइप और ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ आई, अब ये जरा गौर से देखिएगा, आई किया यानी इसका एट्रीब्यूट दिया हमने, ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वो मैंने सिंपल सोलोवर आई लिखा है, उसने वो जो 1 2 ये जैसे रोमन होती है रोमन, वो उसने बुलेट्स बना दी, मतलब मैं कुछ और कर देता हूँ, आप मतलब ए कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, ए कैपिटल इसकी जगह मैं टाइप इज इक्वल टू ए कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें वो किस तरह की बुलेट बनाएगा, ये रिफ्रेश करते हैं, अब ABCD वाली उसने बना दी है, ये वाली जो ऊपर वाली है जो बुलेट्स वाली जो है उसमें हमने क्या किया, जस्ट टाइप इज इक्वल टू स्क्वेयर किया, टाइप इज इक्वल टू डिस्क किया, उस तरह की उसने बना दी, ठीक है। इस तरह से जैसे कि C++ मैंने वाला जो लिस्ट बनाई है उसमें मैंने टाइप इज इक्वल, ये नंबरिंग वाली है, मीनिंग कि मैंने क्या किया, यहाँ पे देखें टाइप इज इक्वल टू ए कर दिया, अपर केस सारे लेटर्स आ जाएंगे, अगर आपने लोअर केस लेटर में लिखना, आपने लिस्ट बनानी है तो मैं उसकी जगह क्या कर देता हूँ लोअर ये ले, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो ये देख लें, ये देखें लोअर केस में उसने बुलेट्स बना दी। तो ये बेसिकली बुलेट्स थी जो हमने अगर किसी भी यानी पेज में हमने क्या कहते हैं उसे लिस्ट ऐड करनी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऐड करने हो तो हम HTML लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया हमारे पास HTML लिस्ट का के हवाले से। पहले हमने ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट यूज किया, यानी कि आपने HTML के अंदर फर्दर अगर कोई तब्दीलियाँ करनी है, चेंजिंग करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ देनी है तो आप इस तरह से टाइप यूज किया वगैरह करेंगे, जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया। डेफिनेशन लिस्ट में आ जाए, उसमें सिंपल करना क्या है, देखें अगर आपने डेफिनेशन करनी है डिफाइन तो DL का टैग, टर्म लिखने के लिए यानी इस तरह से, जिस तरह से ये एग्जांपल नीचे नजर आ रही है आपको, यही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मसलन जैसे कि DL और ये DL क्लोज, ठीक है अब इसी को और से देख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर नीचे एक और से देखिएगा, ये ये लीजिए, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैंने डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे गौर से देख लें कि मैंने डेफिनेशन लिस्ट कोई डिफाइन कोई ऐसी मैंने डेफिनेशन को करना है कि बेसिकली HTML क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, ये डेफिनेशन लिस्ट बना ली और नीचे ये डेफिनेशन लिस्ट क्लोज कर ली। ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा, अब आपके सामने जो चीज नजर आ रही है इसको जरा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, ताकि आप ये जूम इन व्यू जूम इन, ठीक है एक और कर देते हैं जूम इन, ठीक है अच्छा यहाँ पे HTML हो गया। अब ये है HTML क्या है, मैंने इसको बोर्ड में किया है, ये देखिए मैंने बोर्ड का टैग यूज किया हुआ है, ये है डेफिनेशन टर्म लाइक डेफिनेशन जिसकी आपने लिखनी है। ठीक है, और मैंने दो डेफिनेशन यूज की हुई है, एक DL डेफिनेशन लिस्ट, यानी पहली लिस्ट हमने किया HTML उसकी मैंने डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को जो डिफाइन करना है ये डिफाइन है, DD डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया, दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कर ब्लेंड, ये पहली डेफिनेशन होगी। ठीक है, दूसरे के बाद दूसरी टर्म आ गई DT, उसको HTTP, और ये DD डेफिनेशन डिफाइन कर दिया हमने, दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट, यानी कि हमने अगर अपने वेब पेज में कोई टर्म लिख के हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो हम बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट यूज करते हैं। मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, ये देख लें HTML दिस स्टैंड्स, देखें ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपने अपने अपने वेब पेज के अंदर ऐड करनी है। कंटेंट्स ऐड करने पड़ेंगे तो उसमें हमने बुलेट्स ऐड करनी पड़ेंगी, उसमें हमने लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी, बहुत सारा डाटा होता है जो हमने अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। ये आपने पहली लिस्ट आ गई, ये दूसरी लिस्ट आ गई। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, अब फर्दर हमने आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन लिस्ट हो गया। अच्छा, ये स्टाइल एट्रीब्यूट बाद में कराऊंगा, लैंग्वेज बाद में कराऊंगा, टाइटल का मैंने बता दिया था, ठीक है टाइटल का भी बता दिया था। हॉरिजेंटल रूल, ये एक लाइन ड्रॉ होती है जैसे कि HR का टैग इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, इसकी मुकम्मल कोडिंग भी आपको जो है मैं सेंड कर दूंगा और वीडियो भी सेंड कर दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HR का टैग यूज करता हूँ, या जैसे कि यहाँ ऊपर यूज किया हुआ है, ये देखिए HR ये लाइन ड्रॉ हुई है, मतलब ये हमारे पास
यहाँ पर ये पूरी जो लाइन ड्रॉ नजर आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, ये एचआर के टैग की वजह से आ रही है। क्यों क्या? अच्छा, हेड का टैग भी बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद लाइन ब्रेक भी बीआर का टैग बता दिया था। प्री का टैग होता है कि आपने कोई फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑलरेडी है, प्री फॉर्मेटेड। बात का तो होता है हमें कोई टेक्स्ट एंटर करना पड़ता है और उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, लेकिन प्री का टैग इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी कोई प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, यानी उसको वो तो यूजली कोरियर होगा, ठीक है, और फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट होगा, ठीक है, उसके लिए हम प्री का टैग यूज करेंगे। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ। आज मैं आपको एक तो मेन जो चीज़ें पे कुछ तो आपने प्रीवियसली पढ़ी हुई थी, और अब मैं जरा थोड़ी सी जो नई चीज़ एक आपको दो बताई, एक HTML लिस्ट बताई आपको। अब आ जाते हैं HTML लिंक्स की तरफ, हाइपर लिंक्स की तरफ। हाइपर लिंक बेसिकली आपने अक्सर देखा वेब पेज पेजेस पे देखा होगा कि ये बेसिकली लिंक्स होते हैं वेब पेजेस के ऊपर जिसको क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे चले जाते हो, उनको हम बेसिकली हाइपर लिंक्स बोलते हैं। यानी लिंक पे क्लिक करेंगे वो जंप करेगा आपके सामने एक और पेज आ जाएगा आप, ठीक है। लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, इट कैन बी एन कि किसी भी टेक्स्ट को भी लिंक बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट ही होगा, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो है जो सिंटैक्स है आपके सामने, ए का टैग हम यूज करेंगे और उसके अंदर एक फर्दर एट्रीब्यूट होता है एच आर ई एफ का। मसला मैं आपके सामने एक लिंक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो एच आर का टैग है यहाँ पर, हाँ ये है एच आर, और यहाँ पे मैं आपको एक लिंक बना के दिखाता हूँ। यानी ए का टैग यूज करना है आपने, ठीक है, एच आर ई एफ। यानी अब हमने इस यहाँ पे कह रहे हैं हॉरिजॉन्ट, यानी हाइपर लिंक रेफरेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये देखें ए आगे एच आर ई एफ, इसका एट्रीब्यूट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं उस पेज का नाम लिखूंगा जिस पे जिसको मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो हो जाए, मतलब इसको लिख देता हूँ मैं कॉन्टेक्ट एस, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ये समझने के admissions.html, ये वो पेज है जिस पे ये जाएगा अगर हम बनाएंगे ना इसको, यहाँ लिख देता हूँ admissions, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया, और a का टैग मैंने क्लोज कर दिया, ये ले। अब ये हाइपर लिंक आज बनाना सीख लें, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं और एक कुछ नंबर ऑफ पेजेस बना के ताकि आपको आज लिस्ट और लिंक्स बनाने आ जाएं आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें आपके सामने, इसको मैं सेव किया मैंने और इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए रिफ्रेश किया, ये आपके सामने एडमिशन नजर आ रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं आपको तवज्जो करें, एक सेंटर का टैग यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और सेंटर यहाँ पे /ENTP सेंटर, ये क्या करता है आपको सेंटर में ले आएगा। ये देखिए जैसे कि ये एडमिशन आ गया। अब आपको देखें लिंक लिखा हुआ नजर आ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तवज्जो करें, यानी मैं लिंक बनाया था कि जब मैं इसको, अब देखें आपके हाथ का साइन आ गया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करूंगा तो देखें दूसरा पेज आ जाएगा, कौन सा, HTML.admission.html। ये पेज क्रिएट नहीं हुआ अभी, बात समझेंगे, ये भी पेज क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अभी क्यों मैं बता रहा आपको कि योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड, ये फाइल है ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं हुई तो कैसे आएगी, ठीक है। तो ये फाइल हमने क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब देखें इसको कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन का पेज है, यहाँ पे देख लें मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, ये इसी को सेव करता हूँ, डेस्कटॉप ही मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ admissions.html, ठीक है, ये लें। अब ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये मैं उठा रहा हूँ उसी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन सेंटर में आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ home.html, और यहाँ मैं लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है, और
यहां पे लिख देता हूं एडमिशंस, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसको सेव कर दिया मैंने, अब गौर से देखिएगा। अब मैं पेज रन कर रहा हूँ, ये वाला रिफ्रेश करता हूँ, तो जो करें स्पिरिट कॉलेज का एडमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा देखें, ये ले, ये एडमिशन का पेज आ गया, यानी ये आपके सामने जो मैंने फाइल भी क्रिएट कर ली है और उस फाइल पे ये पहुंच गया। अब मैंने साथ ही होम पेज लिखा हुआ है, अब होम पेज होम वाला जो फाइल है वो जिसपे वो दोबारा उसी मेन पेज पे आ जाए, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो है होम का है माई वेब पेज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई वेब पेज डॉट एच टी एम एल, समझिए, ये देखेंगे ये एच टी एडमिशन का पेज है, यानी इस होम पेज पे मैं क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज आएगा, माई वेब पेज जो हमने क्रिएट किया हुआ पहले से ही, ये वाला ये आएगा, देखिए गौर से देखिए। अब इसको मैं रन करता हूँ, रिफ्रेश किया, ठीक है, होम पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें वो पहले वाला पेज आ जाएगा, ये देख लीजिए पहले फर्स्ट वाला पेज आ गया। एडमिशन पे क्लिक करूंगा तो देखिए एडमिशन का पेज आ गया, वो जो मैंने क्रिएट किया था। तो सिर्फ करना क्या है आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक अटैग मैंने सिर्फ यूज किया है, ठीक है, ये देखें ये लिंक्स, ये एक अटैग ए एच आर ई एफ, ठीक है, लिंक टेस्ट अच्छा, उसके बाद ये पूरा देखें, ये एक पूरा एक लिंक बना दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखे कि आपने ये देखें, ये आपके सामने। अब मुकम्मल मैं आपको कोड चेक करा दूं कि आपने कोड को बनाया कैसे है, ये देखें ए एच आर ई एफ लिखा, अब ये वो फाइल का नाम लिख दिया जो मैंने क्रिएट की है, जिसके पे जाएगा ये, ठीक है, इस पेज पे आना है, इसमें एडमिशन लिख दिया, और फिर एडमिशन पे जब क्लिक करूंगा तो ये वाला देखें वही ए एच आर ई एफ माई वेब पे, ये अब ये वाई वेब पे उस पेज का नाम लिखा है जिस पेज पे इसने जाना है, एडमिशन वाले पेज पे, तो पेज क्लिक करूंगा तो ये दोबारा कौन सा पेज आएगा, माई वेब पेज का आ जाएगा, और इसी तरह माई वेब पेज भी आऊंगा तो इसी तरह माई वेब पेज वो एडमिशन पे चला जाएगा। फिर इस तरह से ये हमारे पास एक लिंक बन गया। अब यहाँ पर ये आपका मेन पेज है, अब मैं कुछ और लिंक्स बना देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे काम करें, यहाँ भी मैं एक उसको सेपरेटर दे रहा हूँ, जैसे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ये एडमिशंस का था पेज, ये मैं बना लेता हूँ, इस पर लिख देता हूँ, दूसरा लिंक बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिशन था, और ये हो गया प्रोग्राम्स, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ गैलरी हो गया, और ये डॉट एच डी एम एल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ गैलरी, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है, और ये हो गया, ये लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट एच डी एम एल, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, सेव किया, अब जरा को देखिएगा इस पेज को रिफ्रेश कर, पहले चलूंगा होम पेज है, यहीं पे चले जाते हैं, ये देखिए अब आपके सामने देखें कितने पेज बन गए, एडमिशन, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, समझेंगे। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा एक और काम करते हैं, जरा यहाँ पर एक कोड है एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, ये स्पेस देने के लिए यूज करते हैं, यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे दो स्पेस दे लेता हूँ, और इसके बाद में भी दो स्पेस, यहाँ भी एक स्पेस, यहाँ पे एक दो, और यहाँ पे भी दो स्पेस, इधर भी दो स्पेस दे देता हूँ, ये स्पेस के लिए, ताकि स्पेस आप क्रिएट हो जाए। अब ये देखना आपको बड़ा वाजे नजर आएगा, अब ये देखिए, अब सेव करता हूँ, अब ये देखिए रिफ्रेश, ये थोड़ा सा देखिए फासले फासले भी आ गए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा,
अब ये हमारे पास पेजेस नहीं है, गैलरी का पेज बनाना है, कॉन्टेक्टर्स का पेज बनाना है, तो इस तरह से आप लिंक बना सकते हैं और जिस जिस पे क्लिक करेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, एडमिशन पे क्लिक किया एडमिशन वाला पेज आ गया, होम पेज पे क्लिक किया तो होम पेज भी आ गया, गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी वाला पेज तो है ही नहीं, अभी क्रिएट ही नहीं किया तो इसलिए कॉन्टैक्ट का पेज भी नहीं है, उस पर आ गया लेकिन नहीं, यानी कि लिंक्स बनाने आपने आज सीख लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, या अगर आप कहें तो और थोड़ा सा पढ़ लें, क्या ख्याल है? सिक्स पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास पेज जिसमें हमने लिस्ट क्रिएट की है, डेफिनेशन लिस्ट बनाई है, और उसके बाद हमने क्या जो एडमिशंस के हवाले से, गैलरी के हवाले से ये हमने लिंक्स बनाए हैं। ठीक है, इस पर आप इमेज लिंक भी बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं वो ये लेक्चर सारा रिकॉर्डेड है, ये आपको लेक्चर कंप्लीट मिलेगा। अभी आपको ये मैं वीडियो लेक्चर अभी सेंड कर दूंगा, शुरू से लेके एंड तक आप अच्छी तरह से देखिएगा, और जो मैंने आज प्रैक्टिकल वर्क किया है ये आपने आज HTML लिस्ट और इमेजेस का अभी आपने प्रैक्टिकल कर लेना है। ठीक है, अपने अपने लैपटॉप से ये प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।